Hello children, how are you? I hope you all are fine. Today we are going to study EVS. So please take Marvel Semester Series Book 2 and turn to page 59. यहाँ पे हम आज की डेट लिखेंगे. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बच्चों? पिक्चर टॉक समर सीजन. यहाँ पे ये जो पिक्चर है वो कौन सी सीजन का लग रहा है बच्चों? समर सीजन का. समर सीजन का लग रहा है ना बच्चों? यस, वेरी गुड. समर सीजन में आप सभी बीच पे जाते हो? यस, जाते हो ना. यहाँ पे ये क्या है? सैंड है ना. फिर यहाँ पे ये रिवर है ना. फिर यहाँ पे देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो सैंड प्ले कर रहे हैं. यहाँ पे ये दो बच्चे हैं, वो बॉल से खेल रहे हैं. फिर यहाँ पे ये जो बच्ची है वो क्या कर रही है? बुक रीड कर रही है ना. उसने देखो कैप भी पहनी है. समर में आप सभी कैप पहनते हो ना. फिर यहाँ पे ये जो लड़की है वो आइसक्रीम खा रही है. यहाँ पे ये जो आइसक्रीम है वो आइसक्रीम शॉप में से ये आइसक्रीम ले रही है ना. ये यहाँ पे क्या है? आइसक्रीम शॉप. तो ये पूरा पिक्चर है वो समर सीजन का है. ठीक है बच्चों? अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फाइंड दिस आइटम्स इन द बिग पिक्चर देन राइट देम. अब हमें क्या करना है? यहाँ पे हमें ये पिक्चर्स दिए हुए हैं, वो हमें यहाँ पे ये जो समर सीजन का पिक्चर है उसमें पहले ढूंढना है और फिर उसमें राइट टिक करना है. ठीक है? तो पहले हमें यहाँ पे ये जो पिक्चर दिया है वो किसका है? शॉर्ट्स का. तो बच्चों आपको यहाँ पे शॉर्ट्स दिखाई दे रहा है पिक्चर में. यहाँ पे ये जो बॉय है उसने शॉर्ट्स पहना हुआ है ना. यस, वेरी गुड. तो अब हम इस पे राइट टिक करेंगे. ठीक है, ऐसे ही आप सभी को राइट टिक करना है. फिर यहाँ पे ये किसका पिक्चर है? आइसक्रीम का. तो बच्चों आपको यहाँ पे ऐसा आइसक्रीम कहाँ पे दिख रहा है? यहाँ पे है ना, ये जो लेडी है उसके हाथ में है ना ये आइसक्रीम. यस, वेरी गुड. तो यहाँ पे हम राइट टिक करेंगे. फिर बच्चों यहाँ पे ये जो आइसक्रीम शॉप है वहां पे ये भी जो आइसक्रीम ही है ना. वेरी गुड. तो उस पे भी हम राइट टिक करेंगे. अब यहाँ पे ये सन का पिक्चर है. तो पिक्चर में सन कहाँ पे है बच्चों? यस, यहाँ पे है ना. वेरी गुड. तो उस पे हम राइट टिक करेंगे. ठीक है बच्चों, आपको किस पे राइट टिक करना है? हमें यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी है वही पिक्चर में राइट टिक करना है. ये शॉर्ट्स, आइसक्रीम और सन पे ही. ठीक है बच्चों, आपको ये पेज ऐसे करना है. अब हम ये बुक क्लोज करेंगे. बच्चों अब हम नई एक्टिविटी करने वाले हैं. हम जो एक्टिविटी करने वाले हैं उसका नाम है होम ऑन टू द शेप. तो बच्चों हम जो एक्टिविटी करने वाले हैं उसके लिए पहले आपको मम्मी को बोलना है कि आपको कलर कलर के चार्ट पेपर्स है उसमें ये सभी शेप ड्रॉ कर दे और कट करके दे. ठीक है बच्चों, मम्मी को क्या करना है? अलग अलग चार्ट पेपर्स लेने हैं, उसमें शेप्स ड्रॉ करने हैं और कट करके देना है. फिर यहाँ पे मैंने डिस्टेंस पे शेप रखे हुए हैं, वैसे ही शेप रखने हैं.
तो बच्चों मैंने यहाँ पे कौन कौन से शेप लिए हुए हैं? रेक्टेंगल, ट्रायंगल, स्क्वायर और ये सर्कल। फिर ये सभी शेप्स यहाँ पे मैंने डिस्टेंस पे रखे हुए हैं ना, ऐसे ही मम्मी आपको रख के देगी और आपको मम्मी को बोलना है कि यहाँ पे आपको एक लाइन ड्रॉ करके दे। ठीक है बच्चों, तो अब हम ये एक्टिविटी करने वाले हैं। ये कौन सी एक्टिविटी है बच्चों? जंप ऑन टू दी शेप। तो पहले आपको क्या करना है बच्चों? मैं आपको एक के बाद एक कमांड दूंगी, वो कमांड आपको सुनना है और बाद में फॉलो भी करना है। तो पहला कमांड कौन सा है बच्चों? आपको ये जो लाइन है उसके पास ऐसे दोनों पैरों से खड़े रहना है। ठीक है, फिर तो बच्चों ये कौन सा शेप है? रेक्टेंगल। यस, तो बच्चों हमें ये एक्टिविटी कैसे करनी है? तो पहला कमांड है आपको रेक्टेंगल शेप पे पॉप करना है। ठीक है, तो ये मैं जो ये होप मैं कैसे कर रही हूँ शेप पे, वो आपको पहले देखना है। ठीक है, तो ये हमने रेक्टेंगल शेप पे होप किया बच्चों, वेरी गुड। तो अब हम हमारा दूसरा पैर यहाँ पे नीचे रख देंगे। अब यहाँ पे ये कौन सा शेप है? ट्रायंगल शेप, वेरी गुड बच्चों। तो अब हम ट्रायंगल शेप पे होप करेंगे। ठीक है, वेरी गुड बच्चों, ऐसे ही हमें होप करना है। अब हम हमारा दूसरा पैर यहाँ पे नीचे रख देंगे। अब हमारा स्क्वायर शेप कहाँ पे बच्चों? यहाँ पे। यस, वेरी गुड। तो आप सभी को क्या करना है? यहाँ पे टर्न हो जाना है। ठीक है, अब हम स्क्वायर पे होप करेंगे। ठीक है, वेरी गुड। अब हम ये दूसरा पैर यहाँ पे नीचे रख देंगे। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे? टर्न हो जाएंगे। यहाँ पे ये कौन सा शेप है? सर्कल। यस, वेरी गुड। तो अब हम सर्कल शेप पे होप करेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम ये दूसरा पैर भी नीचे रख देंगे। ठीक है, हमने क्या किया? सर्कल शेप पे होप किया। अब हम सर्कल के बाहर होप करेंगे। वेरी गुड बच्चों, हमने कौन कौन से शेप पे होप किया? रेक्टेंगल, ट्रायंगल, स्क्वायर और सर्कल पे। ठीक है बच्चों, ये एक्टिविटी आप सभी को घर पर करनी है। इस एक्टिविटी से क्या होता है बच्चों? हमारा बॉडी बैलेंसिंग रहता है। ठीक है, ये एक्टिविटी मैंने जैसे आपको सिखाई है वैसे ही आपको घर पर अच्छी तरह से करनी है। ओके बच्चों,